जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कविकुल सीरीज़ के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज हम जिस कवि को, जिस रचनाकार को पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामेश्वर शुक्ल अंचल साहब, जिनसे संबंधित परीक्षा के अंदर बहुत बार है जो सवाल पूछा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म की बात करें कि रामेश्वर जी का जन्म कब होता है, तो जन्म होता है भैया इनका 1915 में। कब? 1915 में जन्म होता है, और कहाँ होता है? फतेहपुर उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में जन्म होता है। अगर निधन की हम बात करें, शुक्ल अंचल साहब की निधन होता है 1995 में। तो 1915 में जन्म होता है, माफ़ कीजिए, 1915 में जन्म होता है और 1995 में निधन होता है। ठीक है, बात विशेष तौर से इनके विषय में एक बात आती है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। हिंदी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान में रखना, हिंदी मानसलवाद के प्रवर्तक कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल, मानसलवाद के प्रवर्तक। ठीक बात। एक और बात लिखिए, मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं ये, मूलतः है किसके? प्रेम और रोमांस के कवि हैं, रोमांस के कवि, मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। इनकी और एक बात ध्यान में रखना, पहली कविता रामेश्वर शुक्ल अंचल की, पहली कविता कब? 1935 में माधुरी पत्र में प्रकाशित, माधुरी पत्र में प्रकाशित। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी। अब इनकी रचनाएं देखते हैं, परीक्षा के अंदर रचनाएं बहुत बार सीधी सीधी इनकी पूछी गई है। वीडियो अच्छा लगता है ये कविकुल सीरीज आपको, तो लाइक किया करें हमेशा, शेयर भी करें ताकि और साथी भी जुड़ें, ताकि उनकी भी मदद हो। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। प्रमुख रचनाएं लिखो, प्रमुख रचनाएं। रचनाओं में हम बात करें, मधुलिका, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, इनको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और बात करें करील के बाद लाल चुनर, लाल चुनर, और इनकी रचनाओं में बात करें तो वर्षांत के बादल, वर्षांत के बादल, और हम बात करें विराम चिन्ह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ये सारे के सारे, एक बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे हैं काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। समय बता देता हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं इनकी रचनाओं पर। और 1938 देखने को मिलता है समय। अपराजिता की बात करें तो 1939, किरण बेला की बात करें 1941 ईस्वी, और करील
1942, लाल चुनर की बात करें तो 1944, वर्षांत के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957, ये इनके काव्य संग्रह हैं। उपन्यासों में अगर हम बात करें, ये तो इनके काव्य संग्रह हो गए, चलो मिटा देता हूँ इनको, फिर लिखते हैं हम। उपन्यासों में हम बात करें, लिख लिए तो ठीक, नहीं लिखे तो वीडियो पीछे करके भी आप लिख सकते हैं। और हम बात करें प्रमुख रचनाओं में, वो भी उपन्यासों में, तो आप लिखिए चढ़ती धूप, चढ़ती धूप हो जाएगा, और नई इमारत, नई इमारत, ये इनकी उपन्यासों के अंदर बात आती है, चढ़ती धूप, नई इमारत। और रामेश्वर शुक्ल अंचल समग्र में इनकी जो उपलब्ध कृतियां उनका संकलन किया गया, रामेश्वर शुक्ल अंचल समग्र इस नाम से, ठीक है बात। और इन्होंने नारी सौंदर्य का चित्रण जो है बड़ी ही रसिकतापूर्ण दृष्टि से जो किया है, जिसमें उपभोग की लालसा स्पष्ट रूप से जो मुखर है। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड रिसर्च जबलपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और छायावाद युग के अंतिम दौर से संबद्ध रचनाकार हैं, ध्यान में रख लेना, छायावाद के अंतिम दौर से संबद्ध रचनाकार, या यूं कहें कि छायावाद का जो अंतिम दौर था उस समय के रचनाकार माना जाता है। बाद में इन्होंने मार्क्सवादी और प्रगतिशील कविताएं भी लिखी, बाद में किस प्रकार की, मार्क्सवादी, बाद में मार्क्सवादी और प्रगतिशील कविता या रचनाकर्म भी है जो इन्होंने किया। उनकी भाषा के नए विशेषण और नए उपमान के लिए उन्हें चिन्हित किया गया था, विशेष तौर से विशेषण और नए उपमानों के लिए जाने जाते हैं। जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई, और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति सम्मान भी मिला इनको, राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान आदि से ये प्रशंसित हुए हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा रामेश्वर शुक्ल अंचल साहब को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। अपनी ऐप है नव सृजन क्लासेज नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे नव सृजन क्लासेज इस नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, जुड़ें, फ्री टेस्ट भी वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल।